हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेट बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर पॉलीनोमियल से एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें हमसे कहा है, इफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू थ्री एंड वन बाई टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स। हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू 3 and 1/2 गिवन है और हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के केस को हम कैसे डील करते हैं? तो सबसे पहले तो हम इसको गौर से देखें, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दें, यानी सेपरेट करके लिख दें इनको, किस तरह से देखिए, ऐसे जैसे एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स, यानी इसका एलसीएम लेके ये फॉर्म, इस फॉर्म से वापस हम इस फॉर्म में ले आए इसको, और इक्वल टू में 7/2। तो इस तरह से अगर हम लिख देते हैं तो हम इसको कैंसिल करके एक्स प्लस 1/x की फॉर्म जो है वो हमारे पास 7/2 आ गई। यानी एक्स स्क्वेयर एक्स से कट के एक्स, ये अपने पास 1/x इक्वल टू 7/2 आ गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास, हमें x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। अगर हम उसका स्क्वेयर कर दें तो उसमें हमें x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर मिलेगा और माइनस 2ab टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, a और b कट जाएंगे, 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ इसका हम दोनों तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, यहां से हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये अपने पास बन जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वेयर और राइट में 7/2 का स्क्वेयर, ठीक है। अब a प्लस b होल स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे इसको, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 49/4। ये x से x कट जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 49/4। अगले स्टेप में हम इस 2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू 49/4 माइनस 2/1। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम, ये आएगा 49 - 8, 41/4, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1 इसको पुट कर देते हैं। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1/x इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो एक बार हम इसका स्क्वेयर करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर माइनस 2x 1/x, यानी a माइनस b का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया। अब जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, वो हम 41/4 पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये माइनस में 2/1। अगले स्टेप में एलसीएम 4 आ गया अपने पास, ये बचेगा 41 - 8 इक्वल टू 33/4, ठीक है। 41 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 आएगा। अब ये वैल्यू हमारे पास x माइनस 1/x होल स्क्वेयर की है, हमें प्लेन वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x की, तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट कर दें तो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/4 का रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 1/x की। तो जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर वो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।